दोस्तों क्या आपको पता है मर्सिडीज बेंज जो आज दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल लग्जरी ऑटोमोबाइल ब्रांड है, इसकी शुरुआत किसने की थी? जर्मनी के अंदर झोपड़ी में रहने वाले कार्ल बेंज नाम के इस गरीब लड़के ने। ये वही कार्ल हैं जिन्हें पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का इन्वेंटर माना जाता है। सिर्फ 2 साल की उम्र में ही इनके सिर से पिता का साया उठ गया। माँ दूसरे घरों में काम करती थी ताकि कार्ल पढ़ लिख कर एक काबिल बिजनेसमैन बन जाए। जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उनका दोस्त ही सबसे बड़ा गद्दार निकल गया और आखिर में जब सफलता दिखने लगी तब इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही बम ब्लास्ट में तबाह कर दिए गए। लेकिन फिर इतने चैलेंजेस के बाद कैसे मर्सिडीज बेंज दोबारा सर्वाइव करने में कामयाब रही, आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानने वाले हैं। तो दोस्तों मर्सिडीज बेंज की कहानी स्टार्ट होती है 25 नवंबर 1844 से, जब जर्मनी के मोलबर्ग टाउन में कार्ल बेंज का जन्म हुआ था। इनके पिता पेशे से एक लोको पायलट थे, इसीलिए शुरुआत में कार्ल और उनकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल हुआ करती थी। लेकिन जन्म के सिर्फ 2 साल के बाद ही जब इनके पापा का देहांत हो गया तब परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और फैमिली को चलाने के लिए अब उनकी माँ को बाहर निकलना पड़ा। कार्ल बेंज की माँ ने दूसरे के घरों में काम करने की तरह कई सारे अलग अलग जॉब्स की, जिससे कि कार्ल को किसी भी तरह की कोई कमी महसूस न हो। और दोस्तों कार्ल बेंज ने भी अपनी माँ की मेहनत और सैक्रिफाइसेस को समझते हुए दिल लगाकर पढ़ाई की। उन्हें केमिस्ट्री और मैकेनिक्स बहुत ज्यादा पसंद थे, जिसका असर ये हुआ कि सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लिया था। और फिर कार्ल जुए पॉलिटेक्निकल स्कूल से इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अगले कुछ सालों में कार्ल बेंज ने 7 अलग अलग जगहों पर काम किया, जहां उन्हें कई तरह की नई नई स्किल्स डेवलप करने का मौका मिल गया। ये दौर 18वीं सदी का था, जब लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन का एक ही मेजर साधन था, घोड़ा गाड़ी। हालांकि उस समय साइकिल का आविष्कार तो हो चुका था लेकिन उसे बहुत वाइडली यूज नहीं किया जाता था। कार्ल बेंज को यकीन था कि एक ऐसा समय भी आएगा जब घोड़ा गाड़ी की जगह हर तरफ फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स नजर आएंगे, लेकिन ये ख्याल भी एक सपने के जैसा था जिसे सुनते ही लोग उनका मजाक उड़ाने लगते थे। लेकिन फिर भी कार्ल को ये यकीन था कि उनका ये सपना जरूर पूरा होगा। इसके बाद 1871 में जब उनकी उम्र 27 साल हुई तब उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और वो अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर अगस्त रिटर नाम के एक मैकेनिक के साथ लोहे का बिजनेस करने लगे। अपने इस नए बिजनेस के साथ साथ साइड में कार्ल ने अपनी मोटर गाड़ी पर भी काम करना शुरू कर दिया था और इसके लिए वो इतने ज्यादा पैसिनेट हो गए थे कि एक पॉइंट पर आकर अपना सारा कारोबार उन्होंने अपने दोस्त रिटर पर छोड़ दिया। ऐसे में रिटर ने इस छूट का खूब फायदा उठाया और कार्ल बेंज को धोखा दे दिया, जिसके चलते कंपनी डूबने के कगार पर पहुंच गई। लेकिन दोस्तों इस मुश्किल टाइम में उनकी लाइफ में एंट्री हुई बेर्था रिंगर की, जो कि आगे चलकर उनकी पत्नी बनी। बेर्था एक बहुत ही अमीर परिवार से थी और उनके पेरेंट्स ने उनके दहेज के लिए बहुत सारे पैसे जमा कर रखे थे। और दोस्तों उन्हीं पैसों से ही कार्ल और बेर्था ने मिलकर कंपनी में अगस्त रिटर का जितना भी शेयर था वो सारा खरीद लिया। इस तरह से अब लोहे का यह बिजनेस पूरी तरह से कार्ल और उनकी पत्नी बेर्था का हो गया था। आगे चलकर 1879 में कार्ल ने गैसोलीन से चलने वाले 2-स्ट्रोक इंजन का आविष्कार किया और अपने नाम उसका पेटेंट भी करा लिया। इसके अलावा कार्ल बेंज बैटरी सिस्टम, स्पार्क प्लग, क्लच गियर, कार्बोरेटर और गियर शिफ्ट जैसे कई सारे पेटेंट अपने नाम करा चुके थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद भी कंपनी कोई खास प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही थी और इसी के चलते उन्होंने अपनी इस कंपनी के शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। एक टाइम तो ऐसा भी आया जब खुद ही की कंपनी में कार्ल का शेयर सिर्फ 5% रह गया था और इसका असर यह हुआ कि कंपनी में इनकी रेपुटेशन लगभग न के बराबर रह गई, जिसके चलते कार्ल बेंज ने यहाँ से बाहर निकलने में ही अपनी भलाई समझी। कुछ टाइम के बाद इनकी मुलाकात 2 भाइयों मैक्स रोज और फेडरिक विलहम से हुई, जो कि एक साइकिल शॉप के ओनर थे। और फिर इन तीनों ने मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम रखा गया बेंजन कंपनी। इस कंपनी में काम करते हुए कार्ल को अपने सपने पर काम करने के लिए काफी समय मिल रहा था। इसी वजह से 1885 में उन्होंने एक ऐसी तिपहिया साइकिल बना डाली जो कि गैसोलीन और 4-स्ट्रोक मोटर से ऑपरेट हो सकती थी। कार्ल ने इस तिपहिया साइकिल का पेटेंट कराया और उसका नाम रखा गया बेंज पेटेंट मोटर वेगन, जिसकी मैक्सिमम स्पीड थी 16 किलोमीटर पर आवर। अब इस मॉडल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल था, इसीलिए जब इसे डेमोंस्ट्रेट किया गया तो फिर ये सीधे जाकर एक दीवार से जा टकराई और लोगों ने बेंज का खूब मजाक बनाया। साथ ही लोगों के मन में गैसोलीन से चलने वाली मोटर को लेकर ये डर भी बैठ गया था कि कहीं इसकी सवारी करते समय ये फट न जाए। इसी के चलते इस व्हीकल के बहुत ही कम यूनिट्स बिक पाए और प्रोडक्ट को कोई खास सफलता नहीं मिल सकी। अब दोस्तों ये इवेंट कार्ल के लिए काफी डिमोटिवेट करने वाला था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने इस व्हीकल को और भी बेहतर बनाने में लग गए। इसके बाद 1889 में उन्होंने अपने उस व्हीकल का मॉडल 2 निकाला और फिर सेम ईयर मॉडल 3 को भी बना डाला।
अब क्योंकि पहले डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पर जो हादसा हुआ था उसे कार्ल अब तक भूल नहीं पाए थे, इसीलिए वो इन मॉडल्स की पब्लिसिटी नहीं करना चाहते थे। लेकिन उनकी पत्नी बिरथा को लगता था कि मॉडल 3 हर तरह से परफेक्ट है और इसे डेमोन्स्ट्रेट करना ही चाहिए। लेकिन काफी समझाने के बाद भी कार्ल बेंज इसके लिए राजी नहीं हुए। और दोस्तों इसी बात से ही परेशान होकर एक सुबह बिरथा ने बहुत बड़ा स्टेप ले लिया और अपने दोनों बच्चों को इस मोटर वेगन में बिठाकर अपनी माँ से मिलने चली गईं। और दोस्तों आपको हम बता दें कि यही 107 किलोमीटर की ही जर्नी थी जिसने कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। रास्ते में जब लोगों ने इस तिपहिया वाहन को बिना किसी घोड़े के चलते हुए देखा तो फिर लोग डरकर भागने लगे, जैसे कि उनके सामने से कोई प्रेत गुजर रहा हो। बिरथा अपनी गाड़ी के साथ जिस भी रास्ते से गुजरती थी वहाँ का दृश्य यही रहता था। रास्ते में कई बार ये गाड़ी खराब भी हुई जिसे बिरथा खुद रिपेयर करती थी और आगे का सफर जारी रखती। मॉडल 3 की फ्यूल कैपेसिटी सिर्फ 4.5 लीटर की थी, इसलिए रास्ते में विस्लोच पहुंचकर उनका ईंधन खत्म हो गया। इसके बाद उन्होंने पास में ही मौजूद सिटी फार्मेसी से एक पेट्रोलियम सॉल्वेंट लिग्रोइन को खरीदा और उसे गाड़ी में डाल दिया। यही कारण है कि सिटी फार्मेसी को आज भी दुनिया का पहला फिलिंग स्टेशन कहा जाता है। इस सफर के दौरान बिरथा ने देखा कि मोटर गाड़ी में लगा हुआ ये लकड़ी का ब्रेक काफी घिस चुका है और सही तरह से काम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उन्होंने इसे रिप्लेस करके लेदर का ब्रेक लगवा लिया, जिसके चलते उनका सफर और भी ज्यादा आसान हो गया। इस तरह से खराब रोड, बार बार बंद होती मोटर गाड़ी और इसी तरह के कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद आखिरकार उन्होंने 12 घंटे में अपना सफर पूरा कर लिया। कुछ समय अपनी माँ के पास रहने के बाद बिरथा वापस कार्ल के पास आई और उन्हें मोटर गाड़ी में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। और दोस्तों बाद में उनकी फीडबैक से इस व्हीकल को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर दिया गया। इसके अलावा बिरथा का ये सफर इतना पॉपुलर हो गया था कि दूर दूर से लोग कार्ल के पास इस मोटर गाड़ी को देखने आने लगे थे। इस पॉपुलरिटी के चलते कंपनी का इंटरनल कम्बशन इंजन भी खूब बिका और फिर देखते ही देखते बेंज एंड कंपनी उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। 1893 में कार्ल बेंज ने अपनी गाड़ी को बेंज विक्टोरिया का नाम दिया, जो कि उस समय की सबसे लग्जरियस गाड़ी मानी जाती थी। इसके बाद से 1899 में इनकी कंपनी ने वर्ल्ड वाइड 572 कार्स बेची, जो कि उस समय एक बहुत बड़ा नंबर था, क्योंकि उस दौर में ट्रैवलिंग का मेन साधन घोड़ा गाड़ी को ही माना जाता था और इस तरह की मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ शाही परिवार या फिर बहुत ही रईस लोग किया करते थे। अब दोस्तों उस टाइम पर कार्ल की एक राइवल कंपनी भी थी जिसका नाम था डैमलर मोटर्स। इसे दो पार्टनर गॉटलिब डैमलर और हेनरी जॉन लॉसन चलाया करते थे और उनकी वो कंपनी भी कमाल के मोटर कार्स बनाती थी। एक्चुअली डैमलर को एक ऐसा इंजन बनाने में कामयाबी मिल गई थी जिसे मोटरसाइकिल नाव या किसी भी ट्रॉली से जोड़कर चलाया जा सकता था। गॉटलिब डैमलर एक बेहतरीन इंजीनियर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी थे जिनके अंडर कंपनी ने काफी ग्रोथ देखी थी। साथ ही मार्च 1901 में उन्होंने मर्सिडीज 35 HP नाम की एक कार को लॉन्च किया था, जो कि आजकल के कार से काफी मिलती जुलती थी और उस टाइम इसे बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी मिली। ये ऐसा समय था जब दोनों कंपनीज यानी कार्ल की बेंज एंड कंपनी और गॉटलिब डैमलर की डैमलर मोटर्स हर रोज नए नए रिकॉर्ड्स बना रही थी। लेकिन तभी वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया जिसका असर कंपनीज के प्रोडक्शन पर पड़ा और दोनों भारी लॉस में चली गई। उस दौरान जैसे तैसे करके उन्होंने सरवाइव किया और जब युद्ध खत्म हो गया तब इनके प्रोडक्शन में थोड़ा सुधार होना शुरू हुआ। हालांकि ये सुनहरे दिन भी ज्यादा समय तक नहीं रहे, क्योंकि मार्केट में मंदी की वजह से ये कंपनीज फिर से लॉसेस फेस करने लगी और एक समय तो ऐसा आया जब कार्ल को लगने लगा कि इस तरह से उनकी कंपनी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। इधर गॉटलिब डैमलर की भी गाड़ियां नहीं बिक रही थी और लगातार लॉसेस की वजह से वो भी परेशान रहने लगे थे। फिर आया साल 1926 जब दोनों कंपनीज ने एक दूसरे के साथ मर्ज होने का फैसला कर लिया। इस तरह से बेंज एंड कंपनी और डैमलर मोटर्स को मिलाकर एक बिल्कुल नई कंपनी की शुरुआत हुई जिसका नाम रखा गया डैमलर बेंज। और दोस्तों यही कंपनी आगे चलकर मर्सिडीज बेंज के नाम से जानी गई। आने वाले सालों में इन दोनों कंपनीज ने मिलकर कई सारे बेहतरीन मॉडल्स को मार्केट में उतारा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हालांकि इस मर्जर के सिर्फ 3 साल के बाद ही कार्ल बेंज की मौत हो गई, लेकिन फिर भी कंपनी के ऑपरेशंस या फिर उसकी क्वालिटी में किसी भी तरह की खामियां नहीं देखी गई। कंपनी नए नए मॉडल्स उतार रही थी और हर मॉडल में नए व एडवांस इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहे थे, जो कि लोगों को खूब पसंद आए। जैसे कि मर्सिडीज बेंज 710SS, मर्सिडीज बेंज 770 की तरह और भी कई सारे। ये वो दौर था जब कंपनी ने पहली बार सफलता का इतिहास लिखा और 7000 कारें बेची। लेकिन 1933 में जैसे ही जर्मनी की सत्ता एडोल्फ हिटलर के हाथों में आई, मानो उस समय से सब कुछ बदल गया। हिटलर को मर्सिडीज बहुत पसंद थी और उसे कई बार इन कार्स में भी देखा गया था। अब हिटलर चाहता था कि पूरी दुनिया में ही जर्मनी की कार्स की बात हो, इसलिए वो कंपनी पर प्रेशर
बनाने लगा कि वो ऐसी कार्स बनाए जो कि स्पीड में सबको पीछे कर दे। और दोस्तों हिटलर के दबाव में कंपनी ने ऐसा ही किया। यही वजह थी कि 1934 से 1939 तक मैक्सिमम रेस में मर्सिडीज की ही गाड़ियां विनर रहीं। हालांकि 1939 में जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया तब यह कंपनी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हुई। युद्ध में इनके कई सारे प्लांट्स बम ब्लास्ट में जलकर राख हो गए, साथ ही सेल्स पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। इसके अलावा हिटलर ने भी इन पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि मर्सिडीज बेंज अपना मेन प्रोडक्शन को बंद करके सिर्फ मिलिट्री फोर्सेस के लिए ही गाड़ियां बनाएं। और आपको तो पता ही है कि कंपनी के पास इस बात को मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। बाद में हिटलर ने प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन ज्यादातर लोग तो युद्ध में हिस्सा ले रहे थे, इसीलिए कंपनी में वर्कर्स की कमी होने लगी। ऐसे में कंपनी ने बहुत सारी महिलाओं को हायर किया ताकि जल्द से जल्द वेपन्स, एयरक्राफ्ट इंजन्स और सबमरीन्स के ऑर्डर्स को पूरा किया जा सके। हालांकि कुछ ही समय के बाद से कंपनी ने देखा कि वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते फैक्ट्री के अंदर भारी संख्या में उन यहूदियों को काम पर लगा दिया गया जिन्हें हिटलर ने कैद करके रखा था। एक समय पर तो 63,000 कैदी मर्सिडीज बेंज में काम कर रहे थे, जिस वजह से जब जर्मनी को वर्ल्ड वॉर टू में हार मिली उस समय इस कंपनी को भी काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। इसी के चलते जर्मनी के अलावा जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बाहर के देशों में थे वो उनसे छीन लिए गए और यहां से मर्सिडीज बेंज का फिर से बुरा दौर शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद भी कंपनी ने हार नहीं मानी और फिर से एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। इस बार ये कंपनी एम्बुलेंस और पुलिस के लिए कार मैन्युफैक्चर करने लगी और फिर आगे चलकर कंपनी ने पब्लिक के लिए भी कई सारी बेहतरीन कार्स को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ग्लोबल मार्केट में उसे अब भी वो रेपुटेशन नहीं मिल पा रही थी जो कि उसकी पहले हुआ करती थी। अब चूंकि इनोवेशन और ड्रामेटिक स्टाइलिंग हमेशा ही मर्सिडीज बेंज के ट्रेडिशन का हिस्सा रहा है, इसीलिए 1952 में कंपनी ने एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक गल विंग डोर वाली मर्सिडीज 300 SL को इंट्रोड्यूस किया जो कि किसी ड्रीम कार के जैसी थी और कुछ ही समय में इसने मार्केट में धूम मचा दी। इस कार की टॉप स्पीड 235 km/h थी, जिसके चलते ये रेसिंग ट्रैक पर भी काफी पॉपुलर साबित हुई। 1953 में कंपनी ने मर्सिडीज बेंज W120 और 121 सीरीज को इंट्रोड्यूस किया और इस सीरीज में मर्सिडीज बेंज 180 व 190 मॉडल को शामिल किया गया था जो कि एवरीडे यूज के लिए बहुत ही कॉम्पैक्ट कार थी। इसके अलावा मर्सिडीज बेंज 220, 220S और 190SL की तरह और भी कई सारे कार लॉन्च किए गए, जिससे कंपनी धीरे धीरे ग्लोबल मार्केट में दोबारा से अपना प्रेजेंस कायम करने लगी। इसके बाद से कंपनी ने कई तरह के सेफ्टी एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन किए, जैसे कि ये दुनिया की पहली कार कंपनी थी जिसने अपनी गाड़ी में 4-valve डीजल इंजन फिट किया था ताकि कार के परफॉर्मेंस को और भी स्मूथ और इन्हेंस किया जा सके। इसके अलावा 1961 में कंपनी ने अपनी गाड़ियों में सीट बेल्ट देना भी स्टार्ट कर दिया, साथ ही ABS ब्रेकिंग, एयर बैग और पैसेंजर सेफ्टी जैसे फीचर्स पर भी ध्यान दिया जाने लगा। इस तरह के इनोवेशंस के साथ ही कंपनी ने यूथ्स को भी टारगेट करने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने कई सारे एड कैंपेन शुरू किए। इसके बाद से आया साल 1994, जब मर्सिडीज बेंज इंडिया में एंटर हुआ और महाराष्ट्र के पुणे में अपना प्लांट लगाया। मर्सिडीज की पहली कार मर्सिडीज बेंज W124 को 1995 में इंडिया में पहली बार लॉन्च किया गया। हालांकि ये इस ब्रांड की पहली कार नहीं थी जो कि भारत में आई थी, क्योंकि 1991 में मर्सिडीज बेंज 190D कार, जिसे अब ई क्लास के नाम से जाना जाता है, इसे खास जर्मनी से JRD टाटा के लिए भारत मंगवाया गया था। अगर हम फिलहाल की बात करें तो कंपनी इंडियन मार्केट में अपने 26 मॉडल्स बेचती है और दुनिया में बिकने वाले हर 4 मर्सिडीज बेंज में से एक इंडिया में सेल होती है, जिसकी एवरेज कॉस्ट 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रहती है। अगर हम कंपनी के हाईएस्ट सेलिंग मॉडल को देखें तो फिर इंडिया सहित पूरी दुनिया में ही GLC मर्सिडीज बेंज की बेस्ट सेलिंग मॉडल मानी जाती है, जिसके 2022 में 342,900 यूनिट्स बिके थे। वहीं अगर हम वर्ल्ड वाइड टोटल सेल्स की बात करें तो 2022 में कंपनी ने 2 मिलियन से भी ज्यादा कार्स को सेल किया था, जो कि इसे दुनिया का हाईएस्ट सेलिंग लग्जरी कार ब्रांड बनाता है। अब दोस्तों आज कंपनी ने मर्सिडीज बेंज की कारों की एक ऐसी इमेज बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है कि लोग इसे एक व्हीकल की तरह नहीं बल्कि एक अचीवमेंट की तरह देखते हैं और आज ये लाखों लोगों के लिए ड्रीम कार कंपनी है।